ओबीसी को हमेशा मोदी जी ने बरगलाने का प्रयास किया। पहले ओबीसी की बात करते थे कि मैं ओबीसी, अब सत्ता में आने के बाद ओबीसी को भूल गया, उन्होंने दे दिया एफिडेविट हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। तो ये दो मुही बातें, दोहरा चरित्र वाली बात जो भारतीय जनता पार्टी करती है, आम आदमी अच्छी तरह से जान चुका है और जाग चुका है। अगर इनको करना होता, स्पष्ट बहुमत ही इनको करना होता तो कर देते। मैं तो दावे के साथ कहता हूँ किसी भारतीय जनता पार्टी का नेता बात कर ले, जिन 10 गारंटी की बात करते हैं, जिन 10 गारंटियों को मोदी जी ने सबसे ज्यादा प्रचारित प्रसारित किया, उन 10 गारंटियों को पूरा किया हो तो बताइए। भारतीय जनता पार्टी तोड़फोड़ की राजनीति करती है। अभी इलेक्ट्रॉन बोर्ड में किस टाइप से भ्रष्टाचार किया आपने देखा। भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को, सबको अच्छी तरह से पता चल चुका है कि 400 पार जो उन्होंने जुमला दिया था वो जुमला ही साबित हो रहा है, इसलिए वो इस टाइप के हथकंडे अपना रहे हैं, दूसरे दलों को, लोगों को तोड़ रहे हैं। आपने देखा केजरीवाल जी को अंदर कर दिया, कांग्रेस पार्टी के खातों को बंद कर दिया। ये अपनी लाइन बड़ी करने के पक्ष में नहीं, ये दूसरे की लाइन छोटी करने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अडानी और अंबानी का समर्थन करती है। अगर वो गरीबों दलितों का समर्थन करती होती और आरक्षण देती, गरीबों का समर्थन करती होती तो गरीबों के हित में महंगाई को कम करती, बेरोजगारों का समर्थन करती तो रोजगार के अवसर मुहैया कराती, किसानों का समर्थन करती तो उनके साथ आतंकवादियों जैसा बर्ताव नहीं करती। तो अनेकों उदाहरण है, मजदूर को कहां मान रहे, वो तो सिर्फ दो लोग को मान रहे, अडानी और अंबानी। पूरी नीतियां उनके अडानी अंबानी के हिसाब से है। ईवीएम की जादूगरी उनके पास पता है, ईवीएम की जादूगरी नहीं होती। हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियां इतनी अच्छी है, उन्होंने आम जनता के लिए इतना अच्छा काम किया है, तो अगर इस देश में 10 व्यक्ति ने भी अगर ऑब्जेक्शन उठाया है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए तो दम है तो बिना ईवीएम के चुनाव करा ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन उनका पूरी जान ईवीएम में बसती है, ईवीएम के बिना भारतीय जनता पार्टी चुनाव करा ही नहीं सकती। नमस्कार, मैं नूरजहां और आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त हम मौजूद हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस अध्यक्ष है उनके आवास के बाहर इस वक्त तक मौजूद हैं। यहाँ पे जो है 55 ओबीसी संगठन आए थे और उन्होंने इंडिया अलायंस को समर्थन दिया है। सर क्या कहेंगे, क्यों समर्थन दिया है आपने? देखिए, आज बात जिस टाइप का माहौल भारतीय जनता पार्टी ने देश और प्रदेश में बना रखा है, ये बात सिर्फ ओबीसी की नहीं है। हर व्यक्ति जिसका विश्वास बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में है, जिसका विश्वास लोकतंत्र में है, जिसका विश्वास प्रजातंत्र में है, वो हर व्यक्ति आज इंडियन अलायंस को समर्थन देने के लिए तैयार है। यहाँ पे रही ओबीसी के संबंध में बात, ओबीसी को हमेशा मोदी जी ने बरगलाने का प्रयास किया। पहले ओबीसी की बात करते थे कि मैं ओबीसी, अब सत्ता में आने के बाद ओबीसी को भूल गया, उन्होंने दे दिया एफिडेविट कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। आज यहाँ पेड़ पौधे पक्षी हर व्यक्ति की जातिगत गणना होती है कि कितने काउंटिंग है, तो ओबीसी की जातिगत गणना कराने से भारतीय जनता पार्टी क्यों डरती है? मेरा मतलब है, जब आदमी को पता पड़ेगा किसकी कितनी आबादी, उसके हिसाब से पॉलिसी नीतियाँ, उसके हक अधिकार की लड़ाई तभी तो लड़ी जा सकती है। तो इस कारण से हमने कांग्रेस पार्टी को जितने लोगों ने यहाँ समर्थन दिया, और पूरा जितना मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ, मध्य प्रदेश में जितना है, बाकी कई सारे स्टेट में मैंने घूमा, वहाँ पे देखा लोगों का पूरी तरह से समर्थन कांग्रेस पार्टी को दे रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का विश्वास बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में है। भारतीय जनता पार्टी तोड़फोड़ की राजनीति करती है। अभी इलेक्ट्रॉन बोर्ड में किस टाइप से भ्रष्टाचार किया आपने देखा। भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को, सबको अच्छी तरह से पता चल चुका है कि 400 पार जो उन्होंने जुमला दिया था वो जुमला ही साबित हो रहा है, इसलिए वो इस टाइप के हथकंडे अपना रहे हैं, दूसरे दलों को, लोगों को तोड़ रहे हैं। आपने देखा केजरीवाल जी को अंदर कर दिया, कांग्रेस पार्टी के खातों को बंद कर दिया। ये अपनी लाइन बड़ी करने के पक्ष में नहीं, ये दूसरे की लाइन छोटी करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसके लिए आपने शर्त वगैरह भी रखे हैं कि जो समर्थन देंगे, कुछ शर्तें भी रखी गई हैं? नहीं, देखिए कोई शर्त नहीं रखी गई, अभी सब स्पष्ट तौर पर बोला गया है कि अब शर्त वर्त से सबसे ऊपर हो चुके हैं। अब हम सबको जुनून सवार होना चाहिए कि देश को बचाना है, संविधान को बचाना है। ये किसानों की आय दुगनी करने की बात की थी, दिल्ली की सड़कों में ही देखा आपने कि किसानों के साथ आतंकवादियों जैसा बर्ताव किया। तो ये दो मुही बातें, दोहरा चरित्र वाली बात जो भारतीय जनता पार्टी करती है, आम आदमी अच्छी तरह से जान चुका है और जाग चुका है। अगर इनको करना होता, स्पष्ट बहुमत थी, इनको करना होता तो कर देते। मैं तो दावे के साथ कहता हूँ किसी भारतीय जनता पार्टी का नेता बात कर ले, जिन 10 गारंटी की बात करते हैं, जिन 10 गारंटियों को मोदी जी ने सबसे ज़्यादा प्रचारित प्रसारित किया, उन 10 गारंटियों को पूरा किया हो तो बताइए। बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, हर व्यक्ति के जहन में आज भी नारा गूंज रहा हो लेकिन महंगाई का क्या आलम है। 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, 100 दिन में काला धन की बात की थी, किसानों की आय दुगनी बात की, अनेकों ऐसे जुमले बोले थे जो आज जुमले ही साबित हो रहे हैं। तो हमारा निवेदन इतना है आपके चैनल के माध्यम से भी, मैं देश के जनता के आवाम से करता हूँ कि आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान को बचाने की जरूरत है। जिस संविधान पर पूरी दुनिया को नाज हुआ करता था, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उस संविधान को ख़त्म करने के लिए 400 पार की बात। 55 ओबीसी संगठन
शामिल हुए हैं इंडियन एलायंस में समर्थन देने के लिए, तो कितना फायदा होने वाला है? क्योंकि जो भाजपा सरकार है, आपने जैसे बताया 400 पार का नारा है, तो उसका सामना आप लोग कैसे करेंगे? नहीं, उसका सामना जन से करेंगे। जो जो ओबीसी की आबादी है, ओबीसी के संगठन, यहाँ एक व्यक्ति नहीं था, अगर ये 60-62 जितने संगठन आए हैं, ये पूरे अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करने आए थे, इनका पूरा संगठन है, इनकी पूरी पार्टियां हैं। तो आप सोचिए ना कि एक व्यक्ति आया था उसका रिप्रेजेंटेटिव बनके, तो जब ओबीसी के आधे से ज़्यादा आबादी इस देश में है, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव जो समर्थन दे रहे हैं, तो बट ओबीसी कम समर्थन है। भारतीय जनता पार्टी के पास मैकेनिज्म है, पिछली सरकार इनकी नहीं बननी चाहिए, लेकिन उस मैकेनिज्म के कारण जीत हार हुई है। तो मैकेनिज्म है, इवेंट मैनेजमेंट करते हैं आप, लाइट के लिए गरीब के घर का बिल का कुड़की करने के लिए उसके ऊपर केस लगा देंगे और विज्ञापन दे देंगे हम बिजली में सरप्लस हैं। तो दोहरी जो बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी, आम जनता जाग चुकी है। तो क्या भाजपा सरकार जो है ओबीसी का समर्थन नहीं करती है, दलितों का समर्थन नहीं करती है? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अडानी और अंबानी का समर्थन करती है। अगर वो गरीबों दलितों का समर्थन करती होती तो आरक्षण देती, गरीबों का समर्थन करती होती तो गरीबों के हित में महंगाई को कम करती, बेरोजगारों का समर्थन करती तो रोजगार के अवसर मुहैया कराती, किसानों का समर्थन करती तो उनके साथ आतंकवादियों जैसा बर्ताव नहीं करती। तो अनेकों उदाहरण हैं जो इस व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक उस चीज़ को जी रहा है, उस महंगाई को जी रहा है, बेरोजगारी को जी रहा है। इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि इस बार आम जनता कांग्रेस पार्टी के साथ आएगी। एक और सवाल लेना चाहूँगी, जिस तरीके से 55 ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन शामिल हुए हैं इंडियन एलायंस का समर्थन देने के लिए, तो मतलब क्या कारण रहा है कि आपने इंडिया एलायंस को ही चुना है? नहीं, इंडिया एलायंस लोकतंत्र की बात करती है, ओबीसी के आरक्षण की बात करती है, गरीब की बात करती है, मजदूर की बात करती है। हम इनका हमारा नेता जो राहुल गांधी जी है, राहुल गांधी आम जनता के बीच में गए, गरीब दुखी पीड़ित मजदूर किसान को गले लगाया उन्होंने, उस चीज़ को देखा है हमने, और खुले तौर पर बोल रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस कारण से सभी ओबीसी वर्ग के संगठन साथ दे रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने के लिए साथ दे रहे हैं, किसान नौजवान गरीब को बचाने के लिए साथ दे रहे हैं। लेकिन जहां आप लोग ये जातीय जनगणना कराने की बात करें, वहीं बार बार दोबारा मोदी जी कह रहे हैं कि हम सिर्फ चार जातियां मानते हैं, गरीब, किसान, मजदूर और महिला। तो वो कथनी और करनी के अंतर, गरीब मजदूर किसान, तो मजदूर को कहां मान रहे हैं? वो तो सिर्फ दो लोग को मान रहे, अडानी और अंबानी। पूरी नीतियां उनकी अडानी अंबानी के हिसाब से है, ईवीएम की जादूगरी उनके पास पता है, ईवीएम की जादूगरी नहीं होती। हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियां इतनी अच्छी है, उन्होंने आम जनता के लिए इतना अच्छा काम किया है, तो अगर इस देश में 10 व्यक्ति ने भी अगर ऑब्जेक्शन उठाया है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, तो दम है तो बिना ईवीएम के चुनाव करा ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन उनका पूरी जान ईवीएम में बसती है, ईवीएम के बिना भारतीय जनता पार्टी चुनाव करा ही नहीं सकती। तो आप लोगों को क्या लग रहा है इस बार लोकसभा चुनाव में क्या रिजल्ट रहने वाले, जो 4 जून को अनाउंस होंगे? नहीं, लोकतंत्र में देखिए जनता पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के साथ है। राहुल गांधी की यात्रा में आप उस भीड़ को देखा, उस जुनून को देखा कि कांग्रेस पार्टी के साथ में है, ये बीच में कुछ ना कुछ मैनेजमेंट कर लेते हैं, कुछ ना कुछ मैकेनिज्म इनके हाथ में लगा हुआ है। इस मैकेनिज्म और इस मैनेजमेंट से हमें लड़ने की ज़रूरत है, और हमें पूरा विश्वास है कि इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। और जिस तरह से बोला जा रहा है कि जो हमारा देश है वो डिक्टेटरशिप की ओर बढ़ता चला जा रहा है, तो अगर दोबारा जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा सरकार आती है, तो क्या पूरा देश ही तानाशाही में बदल जाएगा? ये तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लिख के ले लीजिएगा कि अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी तो न चुनाव होगा, न किसी गरीब की बात सुनी जाएगी। ये बस दो लोगों में, जो इनके गोवलकर ने कहा है, 2-3 लोगों में पूरा सत्ता केंद्रित कर देंगे, उन्हीं के ऊपर राज करेंगे। आपने अनेकों उदाहरण देख लिए, भारतीय जनता पार्टी की कथनी करने के अंतर को इस देश प्रदेश की जनता ने समझ चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे हम आपको बता दें, जो 55 ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने सीधे तौर पर ये बोला है कि भाजपा जो है दलित और ओबीसी की बात नहीं करती है, लेकिन इंडिया अलायंस जो है वो ओबीसी की बात करती है, तभी हम लोगों ने 55 ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया अलायंस को चुना है, समर्थन दे रहे हैं। और साथ ही साथ आखिर में ये भी बोल के गए कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा आ जाती है तो चुनाव होंगे ही नहीं, और देश जो है तानाशाही की ओर बढ़ रहा है, तानाशाही आ जाएगी और लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, और संविधान खतरे में है, और संविधान ही खत्म कर देंगे ये लोग। तो इस पूरी बातचीत पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।